हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जमीनी विवाद में लाठी व कुल्हाड़ी से उतारा मौत के घाट। खारा गांव में पिता पुत्र ने मिलकर की हत्या। लाठी व कुल्हाड़ी से दिया वारदात को अंजाम। हत्या के दोनों आरोपी फरार। समीपवर्ती खारा गांव में जमीनी विवाद के चलते कल मंगलवार देर रात को पिता व पुत्र ने लाठी व कुल्हाड़ी से युवक को मौत के घाट उतार दिया। हत्या से गांव में सनसनी फैल गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर रीको पुलिस मौके पर पहुंची। शव को आबू रोड मोर्चरी में रखवाया गया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। खारा गांव के तालाब फुली निवासी सीना राम पुत्र कसना गरासिया ने रिपोर्ट देकर बताया कि 13 जुलाई मंगलवार की देर शाम को उसका छोटा भाई खारा गांव के तालाब फुली निवासी केसा राम पुत्र कसना गरासिया घर से कुएं पर पानी की होद भरने के लिए मोटर चालू करने गया था। उस समय उसका पुत्र सोमा व पुत्री सोकी उसके साथ थे। वापस घर आते समय कुएं के फले से बाहर निकले। वहां पहले से ही तैयारी कर छिपे हुए गांव के ही निवासी सकुरा राम पुत्र भागा राम व उसका पिता भागा राम पुत्र कसना गरासिया खड़े थे। उसके भाई केसा राम के पीछे से भागा राम ने लाठी से वार किया जिससे केसा राम नीचे गिर गया। सकुरा राम ने कुल्हाड़ी से उसके सिर कंधे व शरीर के अन्य हिस्सों के जगह जगह धड़ाधड़ वार किए। यह देखकर केसा राम का पुत्र उसकी पुत्री मदद के लिए चिल्लाने लगे। उसकी आवाज सुनकर वह उसका भाई सवा राम दोनों घर से भागकर उसके पास गए। वह भी मौके पर पहुंचे। सकुरा राम ने उनकी तरफ पत्थर फेंके। एक पत्थर उसने सोकी को मारा जो उसके सीने में लगा। बेटे सोमा को कंटली बाण की तरफ धक्का मार दिया। उन्हें आता देख वह दोनों उनके घर के पास में होते हुए पहाड़ियों की तरफ भाग गए। तब उसने उसके भाई केसा राम को देखा तो उसके शरीर से काफी खून निकल चुका था। उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। उसके भाई केसा राम की जमीन बंटवारे की बात को लेकर कई दिनों से सकुरा राम गाली गलौज करता था। रंजिश की वजह से ही उसके भाई केसा राम का भागा राम ने हत्या की है। पुलिस ने मृतक केसा राम के शव को आबू रोड मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस बारे में रीको थाना अधिकारी बलभद्र सिंह ने बताया कि दोनों फरार आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित की गई है। आरोपियों की सघनता से तलाश की जा रही है। जागरूक टीवी के संवाददाता से आबू रोड के रीको थाना अधिकारी बलभद्र सिंह इनका कहना है कि मृतक केसा राम उसके पति सकुरा राम द्वारा पेड़ से बात करके उसके पेट में मौके पर पहुंचे ताले की बॉडी में मोती मिलते ही उसके भाई के द्वारा मृतक के भाई के द्वारा पूछा कि भाई उसके द्वारा मोती मिलने सारी चीज होगी और मोती मिलते ही उसके योजना में लेते हुए शीघ्र ही हत्या कर रही है। सर बजट क्या रही थी उनके आपसी पारिवारिक जमीन का विवाद लंबे समय से था उसको लेकर इन्होंने आपसी विवाद। जागरूक टीवी के आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।